सिंगरौली में खस्ताहाल सड़कों से लोग परेशान हैं। कांग्रेस ने जर्जर सड़क पर धान का पौधा रोपकर सरकार के प्रति आक्रोश जाहिर किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। NH39 की खस्ताहाल एवं जर्जर सड़क की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस ने सेंटर हॉस्पिटल मोरवा के सामने प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस महामंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान और जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के नेतृत्व में सड़क पर धान का पौधा लगाया गया। NH39 जो पिछले 16 वर्षों से खराब पड़ी है, माननीय अजय सिंह राहुल भैया पूर्व नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर माननीय महेंद्र सिंह चौहान मध्य प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में कल हम लोगों ने NH39 जो बंद हो गई है, आवागमन सिंगरौली सीधी का कटाव हो गया है, इसके विरोध में हम लोगों ने कल रोपा का कार्यक्रम किया, रोपा लगाया और इस सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। हमारी सांसद रीति पाठक जी जो बार बार ये कहती हैं कि हम गडकरी जी से मिले और मिलकर मैंने पत्र दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।